फ्रेंड्स, कोरोना काल में भी आपके पेपर आ गए हैं, बड़ी टेंशन हो गई है। इस टेंशन को कम करने के लिए मैं आपके हेल्प करने के लिए लाया हूँ कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो लगभग सभी पेपरों में आपको जिनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ऐसे में मैं आपके BSc 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का एक पैटर्न लेके आया हूँ, जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है आगे एग्ज़ाम्स में। इसी क्रम में मैं आपके लिए आज पहले दिन पहला पेपर आपको दे रहा हूँ, फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है। 6 सेमेस्टर का जिन बच्चों का फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है, उनको कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये बताना पड़ सकता है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ फीडबैक, फीडबैक कितने टाइप के होते हैं, या नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक क्या होते हैं। उनके लिए आपका AF = A/1 + β, जो उसका आफ्टर फीडबैक गेन का फॉर्मूला है, वो आपको प्रूफ करना पड़ सकता है। आपको डिफरेंस बिटवीन एम्पलीफायर और ऑसिलेटर बताना पड़ सकता है, डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटर और एम्पलीफायर क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। इसके अलावा सस्टेन ऑसिलेशन के लिए बर्कोसन क्राइटेरिया क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑसिलेटर की बहुत सारी सीरीज है, लेकिन आप इसमें से 3-4 ऑसिलेटर अगर आप तैयार करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट 2 or 3 देयर। जो क्वेश्चन जो ऑसिलेटर से रिलेटेड हैं, उसमें आपको हार्टले ऑसिलेटर का विद डायग्राम, विद पार्ट्स, विद ऑल पार्ट्स इसको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। व्हाट इज़ हार्टले ऑसिलेटर, वीन ब्रिज ऑसिलेटर आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, या क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो ये किस ऑसिलेटर्स हैं जिनको आपको तैयार करके जाना है। इसके अलावा बूलियन अलजेब्रा से कनेक्टेड एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, XOR गेट, नैंड गेट्स, इन सब के बारे में इनकी ट्रुथ टेबल और इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए बिफोर एग्जाम। साथ ही XS3 कोड क्या होता है, ये कोडिंग सिस्टम क्या होता है XS3, ये आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा जो है स्टेट और प्रूफ करना पड़ सकता है आपको। डिमॉर्गन थ्योरम क्या होती है, डिमॉर्गन थ्योरम आपको प्रूफ करनी पड़ सकती है। हाफ एडर और फुल एडर सबट्रैक्टर आपको एक्सप्लेन करने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ नंबर आपको, जैसे यहाँ मैंने लिखे हैं 173 और इन ब्रैकेट 8 लिखा है, ऑक्टल सिस्टम से इसको आपको बाइनरी में या डेसिमल सिस्टम में इन नंबर्स को कन्वर्ट करना पड़ सकता है। दूसरा नंबर मैंने यहाँ लिखा है AB6 ब्रैकेट के बाद 16 है ये। इस तरीके के जो ये कन्वर्जेंस हैं, जिसमें आपको बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी बदलना है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको पेपर में मिल सकते हैं। तो कुल मिला के आपको अगर अच्छी तरीके से पेपर को देना है, तो आप फीडबैक को पढ़िए, ऑसिलेटर्स के बेसिक वर्डिंग्स पढ़िए, बर्कोसन कसौटी को तैयार कीजिए, क्राइटेरिया तैयार कीजिए, बर्कोसन क्राइटेरिया फॉर सस्टेन ऑसिलेशन, साथ ही हार्टले ऑसिलेटर, वीन ब्रिज ऑसिलेटर, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स, एंड गेट, नोट गेट, और जो ये जितने भी XOR NAND गेट्स वगैरह होते हैं, इनके बेसिक वर्डिंग्स इनकी आप पढ़िए, इनके ट्रुथ टेबल्स आप तैयार करिए, XC3 कोड आप पढ़िए, डिमॉर्गन थ्योरम, हाफ एडर, फुल एडर और बाइनरी कन्वर्जेंस को इसको पढ़ के अगर आप जाते हैं, तो आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा होगा। गुड लक, गुड बाय।